नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक मित्र ने पूछा है कि सर, किताब खोलते ही नींद आने लगती है, क्या करना चाहिए। आज के मोटिवेशन मंत्रा में मैं इसी प्रश्न का जवाब देना चाह रहा हूं आपको, और साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसा होता है कि जब आपने किताब हाथ में पकड़ ली तो उसके बाद नींद आने लगती है। भले ही नींद उड़ गई हो, किताब देखती ही नींद आने लगती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसके पीछे के कारण को जानना होगा। समझिए, दो तीन कारण क्या हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आप मानसिक या शारीरिक रूप से पूरी तरह थके हुए हैं। यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी है या बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी करी है, दोनों ही तरीके में आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ऐसे में नींद का आना स्वाभाविक है। तो वो किताब के कारण नहीं आ रही है, वो नींद आ रही है क्योंकि आप थके हुए हैं। दूसरा एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप किताब लेकर बिस्तर में ही चले जाते हैं। ध्यान से समझना, पुराने समय में, आज भी अगर आप किसी गांव में रहते हैं या आप ऐसे किसी परिवार में रहते हैं जहां पर में साथ में दादा दादी या नाना नानी भी हैं, तो कई बार आपको कहा जाता होगा कि बिस्तर में बैठ के मत खाओ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बिस्तर में बैठ के मत खाओ जो शब्दावली है, इसका दूसरा भी बात जाने, दूसरा पहलू इसका ये है, बिस्तर में बैठ के मत पढ़ो, ये भी कहा जाता है आपको। तो हमारा जो माइंड, हमारा जो ब्रेन है, ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है। ये अपने आप से कंडीशनिंग कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, आप कहाँ बैठे हैं। पुराने समय में होता ऐसा था, खाना खाने के लिए ज़मीन पर बैठते थे, तो जैसे ही आपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया, ज़मीन पर बैठ गए, तो हमारी पेट में जठराग्नि, एक पाचन की शक्ति होती है जो प्रज्वलित हो जाती है, जो जलने लगती है, जिससे जो कुछ भी खाया वो पच जाएगा। एक जगह होती है बिस्तर, जहां बिछौना लगा हुआ है। जैसे ही लेट जाएंगे तो माइंड ऐसे केमिकल रिलीज करना शुरू करेगा कि नींद आ जाएगी। फिर एक जगह होता है जहां आप शौच के लिए जाते हैं, वहां बैठने का दूसरा तरीका है। जब आप बैठते हैं तो पेट जो है खाली करने में लग जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हम सारा काम एक ही पोस्चर में बैठ कर रहे हैं, बैठ गए हैं। अब दिमाग को ये नहीं पता ये पढ़ेगा, खाएगा या कुछ और करेगा, तो माइंड कंफ्यूज्ड है टोटली। और यही रीजन है कि आप जैसे ही बिस्तर में जाते हैं, माइंड को पता है ये सोने की जगह है, यहाँ सोएगा ही, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, एक घंटे बाद वो केमिकल रिलीज करना शुरू करता है और आप सो जाते हैं। तो एक बढ़िया टेक्निक तो ये है कि जहां आप बैठ कर खा रहे हैं वहां सोइए मत, और जहां सो रहे हैं वहां पढ़िए मत। पढ़ने की जगह अलग हो, खाने की जगह अलग हो, सोने की जगह अलग हो। फिर आप में से कुछ ऐसा कहेंगे, हम तो एक रूम में रहते हैं, 1 BHK है हमारे पास में, और या हम कहीं पर में हॉस्टल में कमरा लेकर रह रहे हैं तो वहाँ कैसे करेंगे। तो उस कमरे में भी 3 अलग अलग जगह बनाइए। एक टेबल बनाइए जहाँ बैठ के सिर्फ पढ़िए, एक जगह कोना रखिए घर में, उस रूम में, जहाँ बैठ के लिखिए पढ़िए, और एक कोना रखिए जहाँ सोइए। इन तीनों जगहों को मिक्स मत करिए, देखना इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ और ट्रिक बता दूँ आपको मैं, एक होता है कॉफ़ी शॉट। कॉफी शॉट क्या होता है, कॉफी वैसे हमारे शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में लेना नुकसानदायक है, कम मात्रा में तो अच्छा माना गया है उसको, और ये फोकस को बढ़ाता है। तो कॉफी पाउच आती है, कॉफी का छोटा पाउच ले आइए, उसको एक ग्लास पानी में, कुनकुने पानी में मिलाइए, शेक करिए और पी जाइए। उसमें ना शक्कर मिलाने की जरूरत है और ना ही आपको उसमें दूध मिलाने की जरूरत है। ये कॉफी शॉट कड़वा तो होगा, लेकिन यकीन मानिए, एक कॉफी शॉट 2 से 3 घंटे के लिए आपके फोकस को बढ़ा देगा, आपकी नींद को गायब कर देगा। तो ये कॉफी का यूज किया जा सकता है, या एक टेक्निक मैंने बताया, ये आप अपना सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक टेक्निक को अपनाइए या दोनों को ही अपनाइए, और जरूर मुझे बताइए कि क्या आपके पढ़ने के पैटर्न में कुछ बदलाव आया है। एक बात और आप कर सकते हैं कि जब पढ़ें तो पेन ऑन करके बैठें, लेट कर ना पढ़ें। जब पढ़ें तो आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका बैकबोन है, वो स्ट्रेच हो, इरेक्टेड हो, और आप पढ़ाई करें। इन चीजों का अगर पालन करेंगे तो किताब उठाते ही नींद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, अपना कर देखिए, और अगर काम की हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जीवन में, आपकी स्टडी में उससे फ़र्क पड़ा है। यहीं रुकते हैं आज, फिर मिलते हैं किसी और आपके प्रश्न के समाधान के साथ मोटिवेशन मंत्रा में। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।